परिवहन विभाग द्वारा स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेकर एक नई परिवहन नीति जारी की गई है। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि इस नीति के कारण किरायों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। इस बात को लेकर ट्रांसपोर्टर ने पिछले 2 दिन से हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के कारण पूरी स्कूलों की व्यवस्था ही चरमरा कर रह गई है। अभिभावकों को अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ना पड़ रहा है और खुद स्कूल से लाना पड़ रहा है, जिसके कारण अभिभावक भी परेशान हैं। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। स्कूल प्रिंसिपल और ट्रांसपोर्टर और प्रशासन की कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन मीटिंग के बावजूद भी अभी तक समस्या का हल नहीं निकला है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर और अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन उनके बीच जो है अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि अभिभावकों के द्वारा बच्चों को लाने के कारण जो है इनसे पिछले 2 दिन से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरीके से जो है चरमराई हुई है। परिवहन विभाग द्वारा नई नीति लागू करने से आजकल स्कूल ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण अभिभावकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभिभावकों को अपने आप स्वयं ही अपने बच्चों को स्कूल में लाना व ले जाना पड़ रहा है, जिसके कारण स्कूलों के समय अधिक वाहन रोड पर होने के कारण जाम की समस्या बनी हुई है। पिछले 2 दिन से हड़ताल होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्वयं ही वाहनों से स्कूल से ला रहे हैं। जो नीति है इट्स वेरी अप्रिशिएबल एक्ट, इट्स मोस्ट वेलकम आल्सो, बिकॉज बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सभी का कंसर्न है। अगर वो गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है बहुत अच्छा सोच रही है, पर प्रॉब्लम यह है कि मिड सेशन डाली गई है। तो अगर मिड सेशन, बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि इसमें वो अमाउंट बढ़ाएंगे, और किसी भी पेरेंट अभिभावक के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो मिड सेशन इस चीज़ के लिए एग्री कर जाए कि वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ जाए। हमारे जैसे स्कूल जो हैं जिनके हम वेंडर्स बाहर से हैं, इसमें हमारा बहुत कम हाथ होता है, और हम मतलब इस वक्त हमें पता है कि हम कितनी मुसीबतें फेस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। फॉर 2 डेज इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। कल कितना ट्रैफिक जाम हुआ था, आज ट्रैफिक जाम नहीं था बट सड़कों पर, बट बच्चे जो नहीं आ पाए किसी ना किसी वजह से, पेरेंट्स हैं नहीं, तो उनका एक स्टडी लॉस होता है। मेरे हिसाब से कोई बहुत ही ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए जिसमें कि बच्चे किसी तरीके से सफर ना करें, बच्चे रोज आए स्कूल। ये चीज़ें गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टर के बीच की हैं, तो वो एक अलग तरीके से भी शायद सॉल्व करी जा सकती है। ट्रांसपोर्ट की है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट जो करेगी अच्छा ही करेगी। सर, ये जो नई परिवहन नीति सरकार ने लागू की है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? अभी तो पता ही नहीं सही तरह क्या नीति है, अभी तो परेशान ही हो रहे हैं हम लोग। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे कोई सरकार को इसके बारे में आप? फिलहाल स्ट्राइक ना होने दें, पहले कुछ ना कुछ अल्टरनेट, मतलब स्ट्राइक का कोई ना कोई अल्टरनेट सरकार निकाले, कोई ना कोई निकालना। चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा उसको अपनाने में प्रॉब्लम तो होती है, और वो इट्स अ गुड फॉर आवर चिल्ड्रन सेफ्टी। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोगों को अपना काम भी हैम्पर करना पड़ रहा है बच्चों को लाने ले जाने के लिए। ऐसा सर, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, इससे बच्चा सेफ भी है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर बस की फीस ज़्यादा कर दी गई तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रोड को देख करके जगह बैलेंस का ये शोषण है हर स्थिति में। हाँ, आपका टिंकू वर्मा। टिंकू जी, कैसे जो नई परिवहन नीति सरकार ने लागू की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम आ रहे हैं बच्चों को लेने और अपना ड्यूटी दे रहे हैं। परिवहन नीति लागू की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नीति तो सही है पर इम्प्लीमेंट भी तो हो तरीके से, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सबसे पहले गवर्नमेंट को इंजाम करना चाहिए ना यहाँ पे। नई परिवहन नीति बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत अच्छी है। इसके जो प्रावधान है वो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और अभिभावकों की सभी शिकायतें दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी नीति है और इसको लागू होना चाहिए। सर, कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस बारे में अपना? हाँ, इसको लागू करने से अभिभावकों को फाइनेंशियल बोझ थोड़ा बढ़ेगा और
जो सुरक्षा के उसमें बताए गए हैं, माध्यम बताए गए हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए फाइनेंशियल बर्डन, बस की फीस बढ़ानी पड़ेगी हर स्कूल को। देखिए, नई परिवहन नीति जो है मेरे हिसाब से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और ये तो निश्चित है कि अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो वो जनहित के लिए ही उठाती है। किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है बच्चों की सुरक्षा। तो नई परिवहन नीति, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसके सभी मापदंड पूरे करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे बड़ी सुरक्षा के साथ अपने घर और या विद्यालय तक आ सकते हैं। तो मैं इस नई नीति का स्वागत करता हूँ, पर हाँ, एक दरख्वास्त मेरी ज़रूर रहेगी कि परिवहन नीति बनाते हुए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा जाए कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति में ना रहें, नीति उन्हें स्पष्ट की जाए। हाँ, नीति वैसे तो अच्छी है, बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे उन एरियाज में बहुत परेशानी हो रही है जहाँ पे बच्चे स्कूल में दूर से आते हैं, और क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट लगने से खर्चा बस वालों का ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी परेशानी है और स्कूल वालों को। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप मैम? सुझाव तो यही है कि जो सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं वो तो होने चाहिए, लेकिन जिससे ट्रांसपोर्टर्स को भी थोड़ा रिलैक्स हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। उन लोगों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना ही पेरेंट्स को दिक्कत आए, बच्चों को भी।